ईथर सेम एपॉक्साइड्स, पहले अपन स्टडी करते हैं ईथर्स की। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें द्विसंयोजक ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकताएं एल्केन समूह से संतुष्ट हों, ईथर अथवा एल्कोक्सी एल्केन कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र ROR या ROR- होता है, जहां R तथा R- एल्काइल समूह हैं। R तथा R- के समान होने पर इन्हें साधारण ईथर और असमान होने पर इन्हें मिश्र ईथर, मिक्स्ड ईथर्स कहते हैं। ईथर में एल्किल समूह के स्थान पर एरिल समूह भी हो सकते हैं। जैसे सिंपलेस्ट साधारण ईथरों में ROR साधारण ईथरों में ROR, CH3OCH3 डाईमेथिल ईथर, C2H5O C2H5 डाईएथिल ईथर, C6H5 C6H5O C6H5 डाइफिनाइल ईथर। मिश्र मिक्स्ड ईथर्स में देखें तो ROR- इस टाइप के, मेथोक्सी एथेन, एथोक्सी प्रोपेन और मेथिल फिनाइल ईथर। ईथर को एल्केनोल के एनहाइड्राइड भी कहा जाता है। एल्केनोल के दो अणु से जल के एक अणु के विलोपन पर ईथर प्राप्त होता है। एथेनोल के निर्जलीकरण पर डाई एथिल ईथर यानी इथोक्सी एथेन बनता है। ROH एथे, एल्कोहल के सी के निर्जलीकरण पर ईथर ROR। यदि एल्केनोल को जल का मोनो एल्किल व्युत्पन्न माने तो ईथर को जल का डाई एल्किल व्युत्पन्न कहा जाता है। जैसे ROH एल्कोहल, HOH जल और ये एल्कोक्सी एल्केन है, तो ये जल का डाई एल्किल व्युत्पन्न है। H की जगह R या R- इसमें जुड़ा हुआ है। ईथर एल्किल ऑक्साइड के नाम से भी जाने जाते हैं, जैसे CH3OCH3 डाईमेथिल ऑक्साइड, CH3OCH2CH3 एथिल मेथिल ऑक्साइड। ईथर्स का नामकरण नामकरण के रूढ़ पद्धति में इन्हें ऑक्सीजन परमाणु से बंधित एल्किल समूह को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखकर ईथर शब्द द्वारा संलग्नित कर देते हैं। आईपीएससी पद्धति में इन्हें एल्केन, RH से एक हाइड्रोजन परमाणु को एल्कोक्सी समूह OR द्वारा प्रतिस्थापित यौगिक मानकर एल्कोक्सी एल्केन नाम दिया जाता है। ईथर के दोनों एल्किल समूह में से कम कार्बन परमाणु युक्त एल्किल समूह को एल्काक्सी समूह का भाग और दूसरे को एल्केन का अवशेष मानते हैं। जैसे अणुसूत्र C2H6O, इसकी संरचना CH3OCH3 डाईमेथिल ईथर, IPC नाम है इसका मिथोक्सी मेथेन, C3H8O, CH3O CH2CH3 इसकी संरचना और एथिल मेथिल ईथर इसका रूट नाम और मेथोक्सी थेन IPC नाम। अणुसूत्र है C4H10O, जिसके समावयवी हो सकते हैं CH3O CH2CH2CH3, इसका नाम है मेथिल प्रोपाइल ईथर, IPC नाम है मेथोक्सी प्रोपेन। दूसरा इसका आइसोमर हो सकता है CH3OCH CH2CH3, ये है मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर या 2-मेथोक्सी प्रोपेन। CH3CH2OCH2CH3 ये है डाई एथिल ईथर या एथोक्सी एथेन। चक्रीय ईथर में ऑक्सीजन परमाणु वलय का भाग होता है। चक्रीय ईथर विषम चक्रीय यौगिक होते हैं। इस चक्रीय ईथर में वलय का साइज बढ़ने पर उनके विशिष्ट नाम दिए जाते हैं। सिंपलेस्ट साइक्लिक ईथर, ये ऑक्सीजन 3 एथिलीन ऑक्साइड।
ये चार चार सदस्यीय बोला ऑक्जीटेन, पांच सदस्यीय बोला ऑक्जोलेन या टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, छह सदस्यीय बोला ऑक्जेन या पेंटाहाइड्रोपायरेन। इनमें बलय को संख्या देने के लिए ऑक्सीजन परमाणुओं को संख्या एक देते हैं। एथिलीन ऑक्साइड का आईयूपीएसी नाम ऑक्जीरेन एवं एथिलीन ऑक्साइड दोनों ही हैं। ऑक्जिलेन एवं ऑक्जेन के लिए भी क्रमशः टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन एवं पेंटाहाइड्रोपायरेन आईयूपीएसी में स्वीकृत नाम है। यौगिक में दो से अधिक इथर लिंकेज उपस्थित होने पर उन्हें क्रमशः डाई ट्राई टेट्रा एवं पोली ईथर कहते हैं, जैसे 1,2-डाईमिथोक्सीएथेन, ये 1,4-डाईऑक्जेन, 1,4-डाईऑक्जेन, 1,2,3,4, 1,4-डाईऑक्जेन, ये डाईग्लाइम, डाइग्लाम या डाईएथिलीन, डाईएथिल एलाइकोल, डाईमेथिल इथर। इथर में संरचना एवं बंधन, इथर में बंधन की तुलना यदि जल एवं एल्कोहल से करें तो इसकी संरचना को आसानी से समझा जा सकता है। जल, एल्कोहल एवं इथर तीनों में ही ऑक्सीजन परमाणु, जल एल्कोहल इथर तीनों में ऑक्सीजन परमाणु की संकरित अवस्था sp3 है। जल में HOH बंद कोण 104°5' है, जबकि मेथेनॉल में COH बंद 108°5' और इथर में COC बंद कोण एल्किल समूह के वैन डेर वाल्स प्रतिकर्षण के कारण और भी अधिक बढ़ जाता है। डाईमेथिल ईथर में COC बंद कोण लगभग 112° है, जबकि डाईब्यूटिल ईथर जिसमें एल्किल समूह बहुत बड़े आकार के हैं में 132° है। अतः यह कहा जा सकता है कि ऑक्सीजन परमाणु पर एल्किल समूहों का आकार बढ़ने पर COC बंद कोण बढ़ जाता है, क्योंकि एल्किल समूह के मध्य वैन डेर वाल्स प्रतिकर्षण बढ़ता जाता है। ईथर में कार्बन ऑक्सीजन बंद लंबाई, कार्बन कार्बन एकल बंद लंबाई की अपेक्षा छोटी है। डाईमेथिल ईथर में कार्बन ऑक्सीजन बंद लंबाई 1.41 एंगस्ट्राम है, जबकि मेथेनॉल में 1.42 एंगस्ट्राम है, जो कि कार्बन कार्बन बंद लंबाई 1.54 एंगस्ट्राम से कम है। ईथरों के प्रिपरेशन की सामान्य विधियां, पहली विधि है एल्कोहल के अंतरणुओं के निर्जलीकरण से, एल्कोहल के अंतरणुओं के निर्जलीकरण से। एल्कोहल के आधिक्य को अम्ल के साथ कम ताप पर गर्म करने पर ईथर बनते हैं। एक दो एल्कोहल के दो अणुओं से एक हाइड्रोजन एक जल के अणु का निष्कासन ROH प्लस ROH एसिड की उपस्थिति में ROR प्लस H2O। एल्कोहल के निम्न ताप पर निर्जलीकरण से ईथर और उच्च ताप पर निर्जलीकरण से एल्किन बनते हैं। एल्कोहल के निम्न ताप पर निर्जलीकरण से ईथर और उच्च ताप पर निर्जलीकरण से एल्किन बनते हैं। ये एल्कोहल है, एसिड की उपस्थिति में 140°C पर जब इसका गर्म किया जाता है तो डाईएथिल ईथर बोलता है। और ये एल्कोहल इसका H2S4 की उपस्थिति में अधिक ताप यानी 180°C पर गर्म किया जाता है तो ये एल्किन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। सीधी श्रृंखला वाले प्राथमिक एल्कोहल SN2 क्रियाविधि से और तृतीयक एल्कोहल SN1 क्रियाविधि से अभिक्रिया करते हैं। द्वितीयक एल्कोहल SN1 या SN2 दोनों क्रियाविधि से अभिक्रिया कर सकते हैं। एल्कोहल नाभिक स्नेही की भांति कार्य करते हैं। एल्कोहल को बनाने की दूसरी विधि है एल्कोहल के एल्कलीकरण से तृतीयक ब्यूटिल ईथर का संश्लेषण। प्राथमिक एल्कोहल को सल्फ्यूरिक अम्ल में घोलकर उसमें आइसोब्यूटिलीन मिलाने पर तृतीयक ब्यूटिल ईथर सुगमता से प्राप्त हो जाते हैं। ये प्राथमिक एल्कोहल और ये है आइसोब्यूटिलीन, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल में घोला तो ये तृतीयक ब्यूटिल ईथर।
प्राप्त होता है। यदि उपर्युक्त अभिक्रिया में, या देखिए ये अभिक्रिया एक सामान्य आर है तो एक जनरलाइज रिएक्शन है, यदि उपर्युक्त अभिक्रिया में आर बराबर हाइड्रोजन लें तो तृतीयक ब्यूटिल मेथिल ईथर प्राप्त होता है। यह ईथर गैसोलीन की ऑक्टेन संख्या बढ़ाने में प्रयुक्त होता है, इसलिए तृतीयक ब्यूटिल मेथिल ईथर को औद्योगिक रूप से बनाया जाता है। ईथरों के बनाने की तीसरी विधि है विलियमसन संश्लेषण। यह मिश्रित ईथर बनाने की सामान्य अभिक्रिया है, इसमें एल्किल हैलाइड की एल्किल सल्फोनेट या एल्किल सल्फेट की अभिक्रिया सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ करते हैं। इस विधि से सरल एवं मिश्र दोनों प्रकार के ईथर बनाए जा सकते हैं। यह एक SN2 अभिक्रिया है। एल्कोहल, एल्कोहल का सोडियम साल्ट, इसकी एल्काइल लिथियम, ये एल्काइल हैलाइड से इसकी क्रिया करवाएं तो ये ईथर ROR- प्लस ये एल है, यहाँ पे लिविंग ग्रुप एल लिविंग ग्रुप के रूप में है, ClBr(I)OSO2OR या OSO2OR। एक मिश्र ईथर बनाने के लिए उपयुक्त अभिकर्मक लेना आवश्यक है। मुख्य रूप से एक प्राथमिक एल्किल हैलाइड लेना चाहिए क्योंकि द्वितीयक तथा तृतीयक एल्किल हैलाइड प्रबल क्षार की उपस्थिति में विलोपन अभिक्रिया देते हैं, मुख्य उत्पाद एल्किन बनाते हैं। जैसे यदि एथिल तृतीयक ब्यूटिल ईथर बनाना हो तो एथिल ब्रोमाइड एवं सोडियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड लेना चाहिए। ये एथिल ब्रोमाइड ये NaBr से निकल जाएगा और उत्पाद के रूप में बनाएगा एथिल तृतीयक ब्यूटिल ईथर। यदि तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड और सोडियम इथोक्साइड लेंगे तो तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड प्रबल क्षार सोडियम इथोक्साइड की उपस्थिति में विलोपन अभिक्रिया द्वारा 2-methylpropene बनाएगा। यदि इसका ब्रोमाइड लेंगे और ये सोडियम इथोक्साइड लिया तो ये निकला है ना, तो इससे बना ये 2-methylpropene और ये एल्कोहल। ये एथिल हैलाइड की सोडियम एथोक्साइड के साथ अभिक्रिया से एथोक्सी इथेन प्राप्त होता है। ये एथिल हैलाइड CH3CH2I, इसकी अभिक्रिया करवाएं सोडियम एथोक्साइड C2H5ONa, Na और I दोनों मिलके Na एल्किल हैलाइड का आई और सोडियम मेथॉक्साइड का एन दोनों मिलकर NaI के रूप में निकल जाते हैं और मिला क्या CH3CH2O CH2CH3 एथोक्सी इथेन। ये सोडियम ब्यूटोक्साइड इसकी एथिल आयोडाइड से क्रिया करवाई तो ब्यूटोक्साइड का Na और आयोडाइड का आई निकल गया NaI के रूप में निकल गया और ये हमें मिल रहा है एथोक्सी ब्यूटेन। ईथरों को बनाने की अगली विधि है डाई एजोमेथेन की अभिक्रिया से। एल्कोलों पर डाई एजोमेथेन की अभिक्रिया से मेथिल ईथर बनते हैं। ये ROH एल्कोहल, डाई एजोमेथेन है CH2N2, इसकी दोनों के अभिक्रिया से ROCH3+N2 डाइएजोमेथेन का डिकम्पोजिशन हो जाता है, N2 इसमें से निकल जाती है और ईथर प्राप्त होता है। ये एल्कोहल CH3 सामान्यकरण करें इसका, एथिल एल्कोहल डाइएजोमेथेन से इसकी क्रिया करवाई तो CH3CH2OCH3 बना। अगली विधि है ईथर के बनाने की निम्नतर ईथर से उच्चतर एथर का निर्माण। तो अल्फा मोनोक्लोरो ईथर और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मी के परस्पर अभिक्रिया से ईथर प्राप्त होते हैं। ये अल्फा मोनोक्लोरो ईथर और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक इन दोनों के अभिक्रिया से
उच्चतर ईथर प्राप्त होते हैं। निम्नतर ईथर के हेलोजन व्युत्पन्न ग्रिग्नार्ड अभिकर्म के साथ क्रिया करवाने पर उच्चतर ईथर देते हैं।